हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा अजवल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, इवनिंग का हो गया है टाइम, और अभी इवनिंग का हो गया है टाइम। चाय मैंने बनने के लिए रखी है और माता रानी की पूजा भी मैंने कर ली है। ये देखिए, और बारिश का हो गया है मौसम, तो बारिश आ रही है ना आज, तो कपड़े कभी इधर कभी उधर ऐसे हो रहे हैं। और चाय भी मेरी बनने वाली है, और बिना चाय के ना तो टाइमिंग हो गया है भाई 6:30 का टाइम हो गया है। और क्योंकि मैं आज है ना मॉर्निंग में नहाई थी, और उसके बाद फिर मैं अभी नहाई हूँ, तो ये मुझे ना यहाँ से थोड़े से हेयर अपने लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ये रबड़ बैंड लगाती हूँ ना, तो उसका ये थोड़ा सा साइन है, उसका निशान है रबड़ बैंड का, ये जो हेयर पे दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से। तो अभी अवॉइड करना पड़ेगा। और भाई, मैं ना खुले वालों में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, खुले वालों में मैं काम नहीं कर सकती, तो इसीलिए थोड़ा सा ना मुझे दिक्कत होती है। और मैं ना बार बार ये देखिए रबड़ बैंड मैं रबड़ बैंड लगा लेती हूँ, और खुले वालों में से काम नहीं होता, मुझे गर्मी लगती है खुले वालों में काम करने से। तो बस चलिए भाई, और कल है ना अब थोड़ा सा क्लीनिंग का करेंगे। तो ये मेरी कल ये देखिए, कल ये वाली शेल्फ सोच रही हूँ मैं क्लीन करने की। और आज मैं आपको दिखाती हूँ न्यू कप, और ये देखिए क्यूट से, चुट्टू से क्यूट से है कप ये। और मेरा काम अब इसमें ना इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं ना सबको पता है कि मैं कंच के गिलास में ही मैं चाय पीती हूँ, तो कच्चे ग्लास में मैं चाय पीती हूँ, तो अब ये मेरे लिए इजीली हो जाएगा, और अब मैं इस कप में ही पिया करूँगी चाय। तो छुट्टे से हैं, क्यूट से कप है भाई, और मज़ा आ गया। मैंने एक बार पी थी मॉर्निंग में, आज आज ही यूज़ करना किया है स्टार्ट। और देखिए गर्मा गर्म चाय, और चाय हो गई है रेडी, और भूख भी लग रही है क्योंकि आज मॉर्निंग में खाया था, दिन में कुछ टाइम नहीं मिला। तो ये देखिए भाई, ये देखिए कप, और बताना छुट्टू से कप कैसे लग रहे हैं आप सभी को? लग रहे हैं ना, मुझे तो बड़े अच्छे लगे भाई, बहुत पसंद आए मुझे तो ये कप, पूरी हस्बैंड ने ऑर्डर किए थे तो काफ़ी अच्छे लगे, और आज का ट्रांसपेरेंट कप ही चले हुए हैं। तो चलिए भी भूख लग रही है, तो कुछ खाने का अब मैं आपको बता दूँ, ब्रेड वगैरह तो मैं बहुत कम खाती हूँ। तो गाइस बैठ गए हैं भाई, और अभी पियेंगे चाय साथ के साथ, मस्त बनी है चाय। आ जाइए आप सभी भी चाय पी लीजिए। और अभी मैं आपको देने वाली हूँ रिव्यू टाइमिंग। और ये देखिए, ये मैंने बॉक्स, ये देखिए, ये मैंने अपने लिए कुछ मंगाया था, और 3 दिन हो गए हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको खोल कर देख सकूँ कि जो प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं वो अच्छे हैं नहीं हैं। तो मैंने अपनी बैंगल्स मंगाई थी, तो बैंगल चेक करने के लिए कि ये मेरा साइज़ ठीक है नहीं है, क्वालिटी वाइज कैसे क्या कुछ है, तो मैंने चेक करने का टाइम नहीं मिला। तो चलिए भाई अभी चलते हैं, और अभी इसको खोलते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या कुछ मैंने मंगाया है। देखिए ये मैंने निकाल दिया है अपना चूड़ा सुंदर सा, और चाय मैंने पी ली है, और देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। खाने की तैयारी,
तो गाइस जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए हो सकती हैं स्पेशल। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस दिल से अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को जो है अच्छी लग रही हैं और कंटिन्यू मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे, तो तभी होगा जब आप लोग जो है शेयरिंग करते रहेंगे। और जब आप वीडियो देखते तो प्लीज़ लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपका एक लाइक हमें जो है मोटिवेशन देगा आपके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ ले आने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको जो है मेरी वीडियो कैसी लगी और किस टाइप की वीडियोज़ जो है आपको ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो इससे हमें जो है हेल्प हो जाएगी और आप लोगों के लिए जो है अलग अलग सी डिफरेंट डिफरेंट सी वीडियोज़ लेके आने के लिए जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई फिर हम भी जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो अपनी इंस्पिरेशन जो हमें देते रहें। तो ये मैं बस अभी कर देती हूँ पैक। कुछ लोग हैं जो वीडियोज़ देखते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते, कमेंट करके नहीं बताते, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम होती है। भी चलो आप कमेंट करके तो बता दीजिए, कमेंट नहीं करें तो लाइक तो कर दीजिए, लाइक करने में तो आपको कुछ नहीं जाता। तो ठीक है, बस ये मैंने चूड़ा मंगाया था मीशो से। तो भाई आप भी जो है अपने होम डेकोरेशन के लिए, अपने लिए और किड्स वियर, मैन वियर, वुमेन, ढेर सारी शॉपिंग जो है आप मीशो से कर सकते हैं। और मीशो जो है ऑनलाइन ऐप है, आप वहाँ से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, और अच्छी अच्छी सी चीज़ें भी जो है मंगा सकते हैं अपने घर के लिए भी और अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर वहाँ पर मिलते हैं और वैरायटी जो है डिफरेंट वैरायटी होती है, वैरायटी बहुत सारी होती हैं और आपको जो रिजनेबल प्राइस पर आपको मिलता है। और प्रोडक्ट भी आपके जो है, मोस्टली मैंने आज तक जितनी भी शॉपिंग की है मीशो से, मोस्टली मेरी जो है सभी प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छे मुझे मिली हैं। और ये भी मैंने भी आपको आपके सामने प्रोडक्ट बनाकर दिखाया, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। तो आप भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए भी अभी मिलते हैं फिर एक चुटकी से ब्रेक के बाद। हेलो पूजा, हमें भूल जाओ, हमारा ब्याह हो गए बारो है। कौन पूजा? मैं तो काजल बोल रही हूँ। हाँ तो तुम भी भूल जाओ और पूजा को भी बता दी। हो गया है डिनर टाइम, आ गए हैं किचन में और आज बनने जा रहा है डिनर में वही घिया के कोफ्ते। और घिया को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है कद्दूकस और मैं इसमें डाल दूंगी बेसन। बेसन की क्वांटिटी आप इतनी ही रखें जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जितनी आपकी घिया अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा जो है वो कोफ्ते की जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसी तरीके से डालती हूँ, मैं ज़्यादा बेसन नहीं डालती। तो मैं जितना आपके पास कद्दूकस है उतनी ही मैंने क्वांटिटी में मैंने बेसन डाला है, इससे जो है कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। और मैं इसमें सारे डाल दूँगी मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और जीरा पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जिंजर, ये सारा मैं सब कुछ डाल के इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और इसको अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो इसमें जो है पानी पहले से ही होता है, तो इसलिए फटाफट से इसको फेंट लेंगे। और साथ में मैंने अपने लिए बना ली है चाय, क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, तो साथ के साथ मैं भी बस ये करने के बाद चाय पी लूँगी। तो कई बार दो काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया है और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो एक बार आपको ऑयल को अच्छे से गर्म करना चाहिए, आप कोई भी पकोड़े वगैरह बना रहे हैं तो आपको ऑयल को अच्छे से गर्म करना चाहिए। देन उसके बाद आपको उसे मीडियम फ्लेम पर कर देना चाहिए ताकि जो भी हम बना रहे हैं पकोड़े वगैरह तो वो जले ना। तो ये देखिए हीट ज़्यादा ना हो, तो इसलिए मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। और अब फटाफट से रेडी हो जाएंगे घिया के कोफ्ते, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और तब तक घिया के कोफ्ते रेडी होंगे तब तक मैं पी लूँगी अपनी चाय। और गुड़िया मेरी सो रही है, बस उठने ही वाली है, तो मैं उसके उठने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से मैं काम कर लूँ। तो ये देखिए ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है और तेल की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो इसलिए एक ही बार में कोफ्ते इसमें आ जाएंगे, और नहीं तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती। तो ऑयल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है कोफ्ते इसमें सारे आ जाएंगे। और ये देखिए
उठ गया मीनाक्षी, उठ गया। और बीच में गुड़िया उठ गई थी तो उसको भी संभालना पड़ा बीच में। तो ये देखिए भाई, बस हो गए हैं कोफ्ते 2 से 3 मिनट में रेडी, और तब तक कोफ्ते रेडी होते हैं तब तक मैं कर लेती हूँ इसके तड़के की तैयारी। और कोफ्ते की सब्जी में ना मेन तड़के की ही होती है, तड़का आपका ना अच्छे से रेडी होना चाहिए मसालेदार। तो ये मैंने चॉप कर लिए हैं ओनियन, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली वगैरह सब चॉप करके। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें ऑयल, और मैं मस्टर्ड ऑयल का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया भी है कि मस्टर्ड ऑयल जो है हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो हमें 2 ऑयल अपने किचन में ज़रूर रखने चाहिए। तो मैं मस्टर्ड ऑयल का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और ये मैंने डाल लिया ऑयल। बस ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, हींग, और फिर मैं इसमें डाल दूंगी ओनियन का पेस्ट। तो देखिए गाइज, हो गई है ग्रेवी अच्छी सी रेडी, और अभी इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसमें आने दूंगी बॉईल। और जब ये मसाला अच्छे से पक जाएगा, ग्रेवी अच्छी सी थिक हो जाएगी, देन मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते। तो आप कोफ्तों को एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना कोफ्ते हमेशा थोड़े से तोड़ कर ही डालती हूँ। इससे क्या होता है कि अच्छे तक ग्रेवी कोफ्ते के अंदर चली जाती है। जो कोफ्ते का साइज बिल्कुल छोटा होता है तो आप एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो थोड़े से बड़े होते हैं उनको मैं थोड़ा सा तोड़ देती हूँ, ग्रेवी भी थिक हो जाती है। और लास्ट में मैंने डाला है गर्म मसाला, और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भी छोड़ दूंगी अच्छे से।
ताकि मसाला जो है कोफ्ते के अंदर तक चला जाए। तो बस डिनर की हो गई है तैयारी, तो आ जाइए आपसे बीबी और आ रहा है ना, आपसे बीके भी मुंह में पानी लग रहे ना, यमी यमी। तो इधर बस मैं बर्तन है तो बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो गाइज आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अपनी सपोर्ट बनाए रखना भाई, और मिलते हैं फिर जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू एफर्ट्स के साथ। और बस अभी गर्मा गर्म मैं बनाऊंगी इसके बाद चपाती। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही। थैंक यू सो मच।